61 किलो सोना, 7 गिरफ्तारियां। मुंबई हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क की एक दिन की सबसे बड़ी गिरफ्तारी। सीमा शुल्क अधिकारियों ने यहां छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अलग अलग अभियानों में 32 करोड़ रुपए का मूल्य 61 किलोग्राम सोना जब्त किया है, जो एक दिन में हवाई अड्डे पर विभाग द्वारा जब्त की गई सर्वाधिक कीमत है। एक अधिकारी ने रविवार को ये जानकारी दी कि अधिकारी ने कहा कि कम से कम 7 यात्रियों, 5 पुरुषों और 2 महिलाओं को शुक्रवार को किए गए बरामदगी में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने दावा किया कि मुंबई हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क के इतिहास में एक दिन में ये सबसे बड़ी जब्ती है। पहले अभियान में तंजानिया से लौट रहे 4 भारतीयों के पास 1 किलो सोने की छड़ें पाई गईं, जिन्हें विशेष रूप से डिजाइन किए गए बेल्ट में छुपाया गया था, कई जेबें, अधिकारियों ने कहा। कि अधिकारियों ने यात्रियों द्वारा अपने धड़ पर पहनी गई बेल्ट से 28 करोड़ 17 लाख रुपए की 53 किलोग्राम यूएई निर्मित सोने की छड़ें बरामद की। अधिकारी ने बताया कि यात्रा के दौरान दोहा हवाई अड्डे पर एक सूडानी नागरिक ने यात्रियों को बेल्ट सौंपी। उन्होंने कहा कि 4 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया और एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस तरह सीमा शुल्क अधिकारियों ने दुबई से आए 3 यात्रियों से 3 करोड़ 88 लाख रुपए मूल्य का 8 किलोग्राम सोना जब्त किया है। उन्होंने कहा कि 2 महिलाओं सहित तीनों मोम के रूप में सोने की धूल ले जा रहे थे। अधिकारी ने कहा कि यात्रियों द्वारा पहनी जाने वाली जींस की कमर में सोने को चतुराई से छुपाया गया था। उन्होंने कहा कि महिलाओं में से एक की उम्र 60 के आसपास थी और व्हील चेयर पर थी। उन्होंने कहा कि तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।